स्टेरिंग हाथ में आ गया। इधर एक का पता नहीं है चिक्की। और इसी के साथ ही ये खुल गया हमारा किचन, पहाड़ों में बैठ के चाय गर्मा गर्म। हाँ, फुल पलटा पलटी हो रही है। सिक रहा है। जम्मू की वादियों में गर्मा गर्म वेजिटेबल चीला। चिक्की जी कैसा लग रहा है पहाड़ों की वादियों में बर्तन वाजने में? तो भैया यहाँ पर हो गई है पहाड़ों वाली मैगी। आपको 5-स्टार होटल में ये आनंद नहीं आने वाला, मेरी गारंटी है। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। इधर हमारी चुईया उठ चुकी है, चिक्की मैडम भी उठ चुकी है, और हमारा शिवाय बाबू अभी भी सो रहा है घोड़े बेच के। और बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं जी। ओ हो, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन, वेलकम फ्रॉम सनासर। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को हमने सनासर लेक दिखाई थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है भाई। अगर आप डल लेक नहीं देख सकते हो तो भैया सनासर लेक आ जाओ, उसका छोटा रूप है, शिकारा विकारा सब राइड मिल जाएगी आपको। और सबसे मेन चीज एक हमारे संग्राम पाजी का शो चल रहा था, बहुत ही शानदार गाते हैं भाई, दिल खुश हो गया। क्यों? और ट्यूलिप गार्डन भी आपको दिखा दिया था, तो मतलब मिनी श्रीनगर यहाँ पे लेकर आ गए हम कुल मिला के, है ना। तो भैया सीन कुछ ऐसा है, आज जाने वाले हैं हम माता रानी के दरबार में। क्यों? तो आज का वीडियो माता रानी के नाम, जय माता दी। तो यहाँ से निकलते हैं, सुबह के बज रहे हैं 9, बीच रास्ते में कहीं पे देखेंगे मस्त सी कोई लोकेशन। भैया लास्ट टाइम भी कुछ ना कुछ बना के खाना है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह पहाड़ों की वादियों में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद ये वादियाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कटरा आपको पता है बहुत ही ज्यादा कमर्शलाइज है, वहां पर ये कैंपिंग वैम्पिंग कुछ भी मामला बैठने वाला नहीं है। तो हमारी कैंपिंग सीरीज का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद आपको दर्शन कराने वाले हैं सीधे हम माता रानी के, वैष्णो देवी के। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहना भैया, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। और वीडियो में अगर नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हाँ, बाद में आप भूलने वाले हो, इतना खो जाओगे हमारे वीडियो में। तो चले चलते हैं। और इधर बच्चा पार्टी मिशन पे लग चुकी है, इनसे मिली हमारे लड्डू महाराज। हे बेटा, क्या कर रहे हो आप? ये अपनी मस्ती में मस्त रहता है। और इधर मन्नत ब्रश कर रहे हो, पेस्ट खा रही है ये। तो वहां हम दोनों भाइयों की गाड़ियां लग गई थी रात को, छोटी सी पार्किंग है, और ये है जी मेन रोड, और सामने देखे जी बस स्टैंड है मेन सनासर का, वहाँ पे कैफेटेरिया बन रखा है, और उसी के नीचे भी बता देंगे वापस आपको सनासर लेक है, बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बहुत बड़ा ग्रासलैंड है उसके चारों ओर। और सामने देखे जी बर्फ के माउंटेन, बहुत ही सुंदर सुंदर विला बन रखे हैं इधर। तो दोनों गाड़ियां रेडी है, शिवाय को पता नहीं किस बात का गुस्सा आ रहा है। गुड मॉर्निंग जी, आज आपसे गुड मॉर्निंग नहीं हुई। रेडी हो? तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हमारी यात्रा। तो चलिए जी, 10 मिनट कोल्ड स्टार्ट करने के बाद गाड़ी को हम निकलते हैं हमारी आगे की यात्रा पे। थोड़ा सा टफ होगा इधर से गाड़ी निकालना, क्योंकि गैप बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन कोई नहीं, इतना भी कम नहीं है जितना स्पीति में कम था। तो चलिए जी, आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं लेके माता रानी का नाम। बोलो श्री मनसा माता की जय। और साथ ही साथ माँ शेरावाली को भी, माँ वैष्णो देवी को भी, क्योंकि आज उन्हीं की शरण में हम जाने वाले हैं, उन्हीं के दरबार में आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो अम्बे मात की जय। जाते जाते एक बार आपको सनासर का मेन बस स्टैंड दिखा देते हैं, यहीं पे मेन पार्किंग है और बसें वगैरह भी यहीं पर आती है। और सामने से जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको ब्लू कलर का, वहीं से मेन लेक के लिए नीचे रास्ता जाता है। बाकी दोस्तों रास्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और देखो दो छोटे छोटे क्यूट से बच्चे खुद से बड़ा बैग लेके स्कूल जाते हुए। बैग कितने बड़े बड़े होते हैं यार इनके। हमारे सही था यार, 3-4 बुक्स कॉपी डाली और चलो। तो दोस्तों तैयार हो जाइए जन्नत के नजारों के लिए, क्योंकि भैया रास्ता जो खूबसूरत होने वाला है ना, अगर जिन लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा उनके लिए ये वाला वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है भाई। और 100% रिकमेंड है भाई, पटनी टॉप या जम्मू साइड आप कभी भी आओ ना, तो इधर 1 या 2 दिन आप रुक सकते हो, बिल्कुल शांति है भाई, बिल्कुल शांति। कल मौसम अलग था दोस्तों, और आज एकदम खिली खिली धूप है, काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि भाई कल तो भयंकर वाली सर्दी हो गई थी, सर्दी आज भी है लेकिन धूप के अंदर इतनी सर्दी नहीं लग रही। यहाँ पे हर घर आपको एक ही जैसे मिलेंगे, देखिए ऊपर घास और मिट्टी की छत है, मेरे हिसाब से यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है ना, उस हिसाब से इन्होंने मड हाउस टाइप बना रखे हैं कुछ, और बिल्कुल सेम से है। मेरे साइड का व्यू देखिए यार, मतलब सामने वो जो पहाड़ दिख रहे हैं उनपे साल भर आपको ऐसे ही बर्फ दिखेगी टॉप पर, और नीचे देखिए पूरा सनासर विलेज दिख रहा है। लेक तो शायद यहाँ से नहीं दिखेगी क्योंकि पीछे छुप चुकी है वो, बाकी बहुत ही बड़ा ग्रासलैंड था गाइस, बहुत ही बड़ा। बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे से आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे, छोटे छोटे से झरने हैं, कहीं ना कहीं से पानी की सीर होगी, मतलब ये तो आती है ये।
दोस्तों फाइनली आज के लंच कम डिनर के लिए हमारी एक शानदार वाली लोकेशन मिली है। सामने का नजारा देखिए। अभी सबसे पहले गाड़ी सेट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और ये क्या हो गया? मैं देखो आप इतनी जोर जोर से हंस कैसे रहो, स्टेरिंग हाथ में आ गया। कॉमेडी हो गई भैया सुबह सुबह। अरे आ जाओ लड्डू महाराज, आ जाओ, अभी उतरते हैं। इसके पद यात्रा चालू हो गई भैया, पूरा कश्मीर नाप लेगा ये घूमता घूमता। ये मस्त है भाई, पूरा नाप के आ जाएगा। हाँ बाय बाय, गाड़ियों को बाय बाय कर रहा है। अब ये डर गया ये ब्रेक के मारे। हाँ पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ो। आपको किसने बोला नीचे आने का? बिना ब्रेक के जा रहा है भाई ये तो यार। फाइनली दोस्तों शानदार जन्नत वाली जगह मिली है भाई। एक बार 360 व्यू देख लीजिए आप, बहुत ही शानदार भाई। ये जगह एक्चुअल में मिली नहीं है, कल ढूंढ ली गई थी। तो हमारे मन में कल से ही घूम रही थी कि यार इस जगह रुक के जरूर कुछ ना कुछ अपन कैंपिंग टाइप कुछ ऐसा कुछ करेंगे। तो इसीलिए अभी हमने वहां पर कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सच बात बोलू खाने पीने के ढंग के ऑप्शन नहीं है सनासर में। दो तीन ढाबे हैं और वहां पे आपको ठीक ठाक सा मतलब पेट का भरने वाली पूर्ति मिल जाएगी, वो आनंद नहीं मिलेगा जो खाना खाने के बाद आना चाहिए। तो भैया आज आपको मेहनत करते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को। दिल से अच्छा लग रहा है, दिल से। तो क्या बनाने वाले हो आज आप नाश्ते में? सबकी डिमांड है, कह रहे हैं मैगी बनाओ। हाँ इस ट्रिप पर अपने मैगी एक बार भी नहीं बनाई, ना खाई है। बनाई नहीं ना मैं तो, आज मैंने कहा सुबह ब्रेकफास्ट हम मैगी से ही करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, बच्चे भी थोड़ा शौक से खा लेंगे, कभी कभार चलता है देखो। तो ये भैया जी का सेटअप आपको हमने दिखाई दिया था और ये बनाने वाले मैगी। हमारा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ हम क्या बनाने वाले हैं, हमारी हाई कोर्ट से पूछते हैं भैया क्या बनने वाला है आज। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो चिक्की मैडम ये तो मैगी खिलाएंगे अपने को, अपन क्या खिलाएंगे इनको ये बताओ। आप क्या खाएंगे बताइए यार। देख जो लाइट रहे क्या, और नाश्ते के हिसाब से हो जाएगा, मतलब लंच वगैरह अभी फिलहाल नहीं करेंगे अपन। चल दिमाग लगाते हैं। ये देखो इसको घूमना है बस, इसको खेलना नहीं है इनके साथ, इसको घूमना है। इतनी बढ़िया गैंग तैयार हो गई बेटा, यहाँ पे बैठो ना। तो यहाँ पर इनकी गैंग तैयार हो गई है भैया, और लड्डू महाराज इनको परेशान कर रहा है। हाँ ये बोलने की कोशिश करता है, कुछ कुछ वर्ड तो बहुत क्लियर बोल लेता है। तो यहाँ पे शिवाय महाराज को हमने दे दी है भैया रिश्वत, इसको सूखी मैगी बहुत पसंद है तो थोड़ा बहुत इसको मैगी दे दिया है। पूरे सफर में केवल आज और आखिरी बार मैगी बनेगी, क्यों? तो चलिए जी शुरू करें अपन भी। देख लो पड़ोसी की तो रसोई भी चालू हो गई है। तो ये खुल गया जी हमारा चलता फिरता घर। और यहाँ पर दर्शकों की भारी डिमांड पर भैया चिक्की मैडम ने बाल बांध लिए। कोई बात नहीं, तो चलिए जी खोलिए अपना किचन। और इसी के साथ ही ये खुल गया हमारा किचन जम्मू की वादियों में भैया, जम्मू की वादियों में भैया नजारे देख रहे हो। आज आपको बैकग्राउंड में बच्चों की काफी मस्ती की आवाज आएगी भैया, इससे सुपर बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं हो सकता, मतलब इनकी खुशी दिख रही है उसके अंदर। तो आप भी एंजॉय करना और हम भी एंजॉय करते हैं। आज तो बिल्कुल फॉर्म में है भाई। आज मैगी बना रहा हूं। और ये गया मसाला इसमें, क्या बात है। हाँ जी क्या ताकाजाकी कर रहे हो? ठीक है सब्जियों के नाम पे अभी हमारे पास केवल आलू प्याज टमाटर और मिर्ची, कोई बात नहीं जो मिल जाए सब जुगाड़। तो दोस्तों काफी सोच विचार करने के बाद हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है, बेसन का वेजिटेबल चीला बना लेते हैं भैया। एकदम थोड़ा हैवी भी हो जाएगा, लाइट भी हो जाएगा, मतलब दोनों चीजें बराबर इसमें तालमेल रहेगा और बच्चे भी शौक से खा लेंगे। देखिए सफर में ऐसी चीज ही आप ज्यादा से ज्यादा बनाएं, मतलब दिन के टाइम में, जैसे कि आज हमें आगे कटरा निकलना है आपको पता है, तो सबसे ज्यादा कोशिश यही रहती है कि अपना टाइम सेविंग हो और बच्चे, क्योंकि अलग अलग चीजें बनाना पॉसिबल नहीं रहता, अपने लिए अलग बच्चों के लिए अलग। दोस्तों जहाँ पर हमने कैंपिंग की है उसके जस्ट बगल में ये वाला एक घर बन रखा है, पूरा मिट्टी और पत्थर का है और लकड़ी का है। एक चीज जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अलग लगी है, इन्होंने छत बना रखी है वुडन की, जो कि नॉर्मल चीज है यहाँ पर बनती है पहाड़ों में, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने यार भाई गार्डन लगा रखा है। मतलब इतनी सारी, मतलब 1.5 से 2 फुट तक की मिट्टी इकट्ठी करके क्यारियां बना रखी है, और देखो फ्लावर के पौधे भी उग रखे येलो येलो उसके ऊपर। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई यार, ऊपर इतना एक तो वजन आ गया घर की छत पे, और उसके अलावा बारिश होती होगी तो यार पानी अगर नीचे नहीं रिसता होगा क्या? आप लोगों को अगर इसका कुछ पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में कि किस लिए ये मिट्टी लगा के रखते हैं इतना ऊपर। और एक बार फिर से लोकेशन देख लीजिए, ये मेन रोड है सनासर रोड जो है, और पीछे पूरा ग्रासलैंड है भाई, पूरा ग्रासलैंड, जहां तक नजर जाएगी ना हरियाली हरियाली दिखेगी। और इधर तीनों बच्चों ने मिलकर हड़ताल कर लिए भैया, प्लेटों का बंटवारा अभी से चालू हो गया है, कौन क्या लेगा क्या नहीं लेगा। बेटा सारे एक कलर की है, कोई सी भी ले सकता है कोई भी।
अच्छा तो आप नेता बनोगे मतलब है ना। और ये हो गया भैया चिक्की का मिक्सर ग्राइंडर चालू, हाथ चलते जो देखो इसके खटाखट खटाखट। बाकी बहुत बहुत ईजी हो जाता है यार इसका काम, मैं हर बार बोलता हूँ। वैसे तो आप बहुत कॉमन चीज है, सबके घरों में होगी है। आपके पास शायद ऊपर से ठोकने वाला है, आपको ठोकना पसंद है। मतलब गुस्सा निकालना होता है तो उसी पे निकालते हो आप कुल मिला के। ये देखो जी इनका वाला ऐसा है, हमारा गुस्सा ऐसे निकलता देखो, बस हमारा खींचना पड़ता है, इनका ठोकना पड़ता है। मतलब मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड के अंदर। हाँ जी आप भी दिखाएं, ये देखो ये आपके उससे नहीं जमता, आप तो बहुत प्यार से कर रहे हो, इनके हाथ से जमता है। ठकाठक ठकाठक जो ठोकते है ना। तो यहाँ पे पाजी स्पेशल मैगी है भैया, दूर तक खुशबू आ गई आपकी मैगी की। ये देखो यार मस्त एकदम। गाइज वैसे पर्सनली मुझे मैगी इतनी पसंद नहीं है सच बात बोलूं तो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो मैगी का टेस्ट बढ़ जाता है और जो इतने प्यार से बनाते हैं ना, कोई भी बनाओ चाहे, टेस्ट भैया मैगी का पहाड़ों में ही है। जो पहाड़ों वाली मैगी इतनी फेमस है ना इसीलिए है। गर्मा गर्म मैगी रेडी है, बन चुकी है मैगी। हाँ जी अब हमारा नंबर आ गया क्या फाइनली? हाँ जी आपका नंबर आ गया, ये लीजिए गर्मा गर्म मैगी। धन्यवाद जी धन्यवाद। तो भैया यहाँ पर हो गई है पहाड़ों वाली मैगी। अरे भाई मैगी के लिए मना नहीं करते, चाय और मैगी तो ऐसी चीज है पहाड़ों में। तो इधर हमारा शिवाय बाबू बैठ गया है और इधर शिवाय की मम्मा, ये देखो मैगी उड़ा रही है भैया। एक बार में अंदर। हाँ जी मैडम मैगी की खाने के बाद एनर्जी आ गई। आ गई बिल्कुल आ गई। पहाड़ों में मैगी तो बस क्या ही कहने। तो ये आज चिक्की मैडम ने पहले ही पानी मिला लिया, इसमें मैं मना कर रहा था इसको। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है। तो ये गया जी इसके अंदर बेसन। बेसन और पहले क्या क्या डाल चुके हो आप एक बार शॉर्ट में बता दो। प्याज टमाटर डाले और थोड़े सी करी लीव्स डाले बस, और कुछ नहीं डाला। अच्छा कसूरी मेथी भी डाली थी आपने, देखी थी मैंने। देख ली थी आपने? हाँ देख ली मैडम। थोड़ी सी डालेंगे सूजी, थोड़ी सी। हाँ बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। सूजी से शायद कुरकुरे होते हैं ना क्रिस्पी। तो ये बन गया जी इसका बैटर, बना नहीं मतलब अभी इसको घोट रहे हैं, और मतलब पतला करना है कैसा करना है इसको? थोड़ा और पतला करेंगे इसको। आप बोले थे पानी ज्यादा, अभी तो और पानी डलेगा इसमें। ये तो सब्जियों का चॉप करा ना मैंने। तो चिक्की जी आपके इस स्माइल का राज क्या है ये बता दीजिए। राज मेरा राज ये है कि जितनी मुस्कुराहटे हम बांटेंगे ना उतनी मुस्कुराहटे बटेगी। मतलब लोग बाग आपको देख के मुस्कुराएंगे। अच्छा, तो ये बात तो आपने सही बोली, कोई मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो बहुत सही बोली। क्यों? सही बात है। हाँ लोगों के चेहरे पे स्माइल बांटने का काम कर रहे हैं अपन। मुस्कुराना जरूरी है, जो मुस्कुराना जरूरी है। सही बात। तो ये मन्नत यहाँ पे पाउट बना रही है और उधर लड्डू मैगी खा रहा है भैया अकेला। उसको किसी से मतलब नहीं है गाइस, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है एकदम। ऐसा ही होना चाहिए बच्चे को, है ना बाबा? तो भैया अब इधर क्या बन रहा है, खुशबू आ रही है कुछ अच्छी अच्छी? मैंने सोचा चाय भी बना ली जाए आज। क्या बात है, मन की बात छीन ली आप लोगों ने। बस चाय नहीं पिए ना तो पहाड़ों में बैठ के चाय गर्मा गर्म। हाँ मैगी हो गई तो चाय भी बना लेंगे। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर पलक जी ने चढ़ा दिया जी गर्मा गर्म चाय, और चाय का मसाला डालते क्या खुशबू आई है। हाँ भाई पेट में चूहे दौड़ने लग गए अब तो, मैगी का असर भी खत्म हो गया। एक्चुअली क्या है, शिवाय जिद कर रहा था सोने की, तो मैडम ने अपनी माँ की जिम्मेदारी पहले निभाते हुए शिवाय बेबी को अंदर सुलाया है, और उधर भी एक गाड़ी के अंदर दूसरा बच्चा सोने वाला है, सो गया मतलब। भैया बच्चे पहले हैं क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज हमारा खाओ पियो ऐश करो बहुत नीचे दब चुका है,
तो भैया जी से हमने उधार लिया है और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी चीज लगी है, तो मैं खुद भी सेम ऐसा ही मंगाने वाला हूँ। देखिए पता है सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्यों भैया? सबका दिमाग कुछ ना कुछ अलग रहता है। आपसे हमने मतलब ये चीज देखी है, कुछ और भी चीजें ऐसी नहीं है जो हमने देखी है, तो क्या तो है ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान चलता रहेगा तो सही रहेगा। एक दूसरे से ज्ञान बढ़ता है, बिल्कुल से बढ़ता है। हाँ बिल्कुल। तो भाई इसको कैसे भी आप तोड़ मरोड़ के लगा सकते हो, सिंगल पे यूज करना, डबल पे यूज करना, बहुत ही बड़ा है और हैवी भी है, मतलब वेट में भी ठीक है, क्यों चिकी सही है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो देखिए जी यहाँ पे तवा चढ़ने के लिए रख दिया है, चढ़ा दिया है, रख क्या दिया है। चलिए शुरू करें। शुरू करो जी, अब वेट नहीं हो रहा भैया, बच्चा सो जाए ना शांति से। भैया सबसे बड़ी शांति वो है, वो दौड़ रहा था ना इतना ऊपर। हाँ रिस्क उसकी है बस। और इधर ये दोनों बहनें कभी लड़ रही है कभी मुस्कुरा रही है। बेटा ये पापा के पास एक ही है। तो ये चढ़ चुका है जी हमारा पहला चिला। यार मुझे तो सफर में इसी टाइप की चीज अच्छी लगती है। गाइस बहुत से लोग बोलते हैं कि यार शॉर्टकट क्यों बनाते हो, ये क्यों बनाते हो। देखिए सबका खान पान अलग होता है और कैंपिंग रेसिपीज जो होती है ना, मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि आप केवल देखिए, हम केवल शूट करने तो आते नहीं है इस जगह इतना दूर, हम घूमने भी आते हैं, एक्सप्लोर भी करने आते हैं। ऐसा नहीं है हम सभी चीजें बना रखे, दाल बाटी में बहुत टाइम लगता है, वो बनाते ही हैवी चीजें हैं। और उसके अलावा भी आपने हमारे अगर पहले के वीडियो देखे होंगे ना, तो काफी कुछ हमने ऐसी ऐसी चीजें बना के खाई है जो कि कैंपिंग में पॉसिबल नहीं होता। तो आप तो बस एंजॉय किया करो यार, आपको घर बैठे इतने बढ़िया बढ़िया नजारे दिखा रहे हम, ये कम है? हाँ चिक्की जी फुल पलटा पलटी हो रही है। सिक रहा है। नहीं बढ़िया है बढ़िया है। केचप है ना अपने पास? है। अच्छा मीठी चटनी भी तो लाए थे। तो गुरु आज आपको इमली की चटनी के साथ खिलाएंगे अपन। हाँ वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भाभी के हाथ का। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई दे दो यार, कितनी देर है? ला रहे। लाइए जी लाइए। आइए जी पहाड़ों की हसीन कश्मीर की सॉरी जम्मू की वादियों में गर्मा गर्म वेजिटेबल चीला। सूखा सूखा ही खिलाओगे क्या? अरे नहीं नहीं डाल रहे ना वैरायटी आपको। तो ये आ गई जी स्पेशल इमली की चटनी, आप लोगों के वहां पर भी मिलती होगी, मैगी कंपनी की आती है। और टमाटो सॉस के बिना तो अधूरा है भैया, इसका आनंद ही अलग है। आराम से क्या कर रही है? दोस्तों जो जीलिया आज अपना है कल किसने देखा कुछ नहीं पता, कल हो ना हो तो भैया जो जिसका एंजॉयमेंट होता है ना उस तरीके से अपना लाइफ को एंजॉय करिए, मैं तो सबको यही बोलता हूँ। बढ़िया बना। तो ये लीजिए भैया। अरे वाह क्या बात है, चाय स्पेशल चाय। हाँ जी। सर आप चाय पत्ती कुछ अलग यूज करते हो क्या? नहीं नहीं, नहीं इसकी खुशबू अलग है सर। खुशबू अलग है? बिल्कुल अलग है, खुशबू अलग है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी अच्छी वाली पार्टी हो गई है, उधर से मैगी का आदान प्रदान हुआ, इधर से बेसन का चीला खिला रहे हम इनको, और भैया गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे हैं कुल्लड़ में पहाड़ों की वादियों में। क्या बात, इससे बड़ा आनंद है कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको फाइव स्टार होटल में ये आनंद नहीं आने वाला, मेरी गारंटी है। एक रूम के अंदर क्या आनंद? नहीं आना, नहीं आना भाई, रूम के अंदर क्या आनंद आएगा? कल हम ऐसे ओपन में बैठ के हम आनंद। हाँ कल अपन लोग भले ही रूम में रुके चलो ठीक है, वो आराम के हिसाब से सही है, लेकिन उसमें ये वाला आनंद नहीं था। हाँ नहीं था, सच बताओ बिल्कुल भी नहीं था। हम चाहते थे सुबह चाय रूम में बना सकते थे, लेकिन फिर पाजी ने बोला नहीं भैया चाय तो पहाड़ों में बनेगी। जी बहुत टेस्ट है यार। धन्यवाद जी। धन्यवाद उसको बोलो आप, क्या बोलते हैं चिकी जी? क्या बोल रहे भैया? रिकॉर्ड टूट गया मतलब आज? रिकॉर्ड टूट गया, वो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल दोस्तों कितना भी अच्छा खाना नाश्ता बना लो, इन बच्चों की नियत है ना इन चीजों पे खराब होती है। उधर चेरी रूस के बैठ गई, इधर मन्नत रूस के बैठ गई, देख लो। कोई बात नहीं, इनको रिश्वत देना जरूरी है भैया, वरना अपनी बैंड बजा देंगे सफर में ही है। बच्चे पहले। बेटा तुम घर चलो फिर आपका स्वागत करते हैं अच्छे से। और इधर कौन बैठा है भैया? चेरी। ये पूरा फिनिश होना। तो देखिए भैया कैंपिंग का असली पार्ट। चिक्की जी कैसा लग रहा है पहाड़ों की वादियों में बर्तन वाजने में? हमेशा की तरह बढ़िया। तो ये मत बोलना भैया आप कुछ काम नहीं करते, हम बैकग्राउंड वाले काम करते हैं, दिखाते नहीं है क्यों जी? सबूत बता दे भाई पति काम करता है नहीं करता है? नहीं करते हैं, करते हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसे मतलब जो व्यवस्था बैठती है ना, कभी आसपास कोई होटल होती है वहां पे बर्तन धो लेते हैं कर लेते हैं, तो अभी पलक जी और इन्होंने दोनों मिलके बर्तन मांजे हैं और मैं दिखा नहीं पाया उनको।
चले जी, यहाँ पे हमारी होती है मेहनत खत्म और इनकी मेहनत होती है चालू। बिल्कुल भैया, मिल बांट के काम करना पड़ेगा। तो देखिए जी, पूरा सेटअप लगाना, पूरा सेटअप उठाना, वो मेरी जिम्मेदारी रहती है। वो हालांकि मैं कभी दिखाता नहीं हूँ तो आप लोगों को लगता है मैं काम नहीं करता हूँ। भैया काम बराबर का होता है ना दोनों तरफ से, तभी बात बनती है, वरना दूसरी बारी बोल देगी भैया तुम ही जाओ, तुम्हारे मेरे को नहीं चलना साथ में। सबसे मेन चीज उसे अच्छे तरीके से शूट करके इतनी लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव करना, वो भी बड़ा टास्क होता है यार। भाई पे दया बरसाया करो, ऐसे बदनाम मत क्या करो कि कपिल भाई कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल सेट गाइस, तो दोनों गाड़ियां रेडी है। लड्डू बाबू का थोड़ा मूड खराब है क्योंकि वो सोके उठा है। सारा कचरा हमने साफ कर दिया है। ये दो ब्रेड एक्चुअली क्या बच्ची से गिर गई थी तो हमने डॉगी के लिए यही पे छोड़ दी है, मतलब कोई जानवर वगैरह खा लेगा, इससे कोई मेरे हिसाब से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचने वाला। बाकी हमने कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का कचरा नहीं छोड़ा है। इधर एक का पता नहीं है चिक्की, और गुस्सा गया। तो भैया यहाँ से आगे चल के हमारे रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। भैया लोग, राजा भैया और पलक भाभी, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस। आगे चल के कटरा से हम मतलब कटरा की तरफ चल जाएंगे और ये लोग अपने घर जम्मू की तरफ चल जाएंगे, है ना। बहुत तो अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। बस मिलना होता रहेगा, ऐसे कारवा बढ़ता रहता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता रहता है।